आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। सर, ये कोरोना को लेकर जो मंदिर जो बंद हुई है, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अनुरोध किया, मैं हरिजननाथ मंदिर जो सोनपुर में है उस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति है उसका भी अध्यक्ष हूँ। हालांकि उसके अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दिया है, अभी तक इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से, तो तकनीकी रूप से मैं अभी भी उसका अध्यक्ष हूँ। तो मैंने ये आदेश दिया है कि सोनपुर मंदिर को, गरीबनाथ मंदिर को तुरंत अगले आदेश तक के लिए, अभी तो 31 मार्च तक के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखिए ये कोरोना कोई मामूली चीज नहीं है, इसका संक्रमण इतना भयानक है और इतना तेजी से होता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, विशेष करके श्रद्धालुओं से, कि ये राष्ट्र पर बहुत बड़ा संकट है, पूरी दुनिया पर संकट है, इसमें सहयोग करना चाहिए, इसलिए वो अभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का भीड़ भाड़ वाला कोई कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। ये सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर और गरीबनाथ मंदिर, ये दोनों 31 मार्च तक बंद रहेंगे। पूजा आरती होगी, वहां पर जो पुरोहित हैं वो पूजा आरती करेंगे, सामूहिक पूजा, सामूहिक आरती, सामूहिक कोई अनुष्ठान नहीं होगा मंदिर के अंदर, और मंदिर में दर्शनार्थी नहीं जाएं। ये मंदिर दोनों 31 मार्च तक बंद रहेंगे। और इसी तरह से मैं जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं जहां काफी संख्या में भीड़ होती है, जैसे अरेराज का मंदिर है, जैसे लखीसराय का मंदिर है, जैसे सिंहेश्वर स्थान का मंदिर है, ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ईश्वर सब जगह है, वो जहां आप हैं वहां हैं, आपके घर में, सृष्टि के कण कण में हुए वो भगवान, वो अल्लाह, वो खुदा, वो मालिक, वो ईश्वर, जिस नाम से भी पुकारे, सृष्टि के कण कण में है वो, है तभी हम लोग हैं। इसलिए जो वैज्ञानिकों का कहना है, जो हमारे विशेषज्ञों का कहना है, उसको मानना चाहिए। ये संकट का समय है, पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर के और सामूहिक रूप से अनुशासन का, मर्यादा का और एकता का परिचय देना चाहिए। बड़े बड़े जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं सबको बंद कर दिया जाना चाहिए और वहाँ कोई सामूहिक अनुष्ठान, सामूहिक पूजा, सामूहिक आरती का की व्यवस्था अभी 31 मार्च तक बिल्कुल रद्द की जानी चाहिए। ये मेरी अपील है, ये दोनों मंदिर तो हमने बंद कर दिए हैं, और मेरी अपील है सारे लोगों से जो है, महावीर यज्ञ का, महावीर मंदिर पहले ही बंद कर दिया जा चुका है, आज उसकी घोषणा हो गई, पटना का महावीर मंदिर बहुत हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम तक रात तक वहां रहते हैं, उसको बंद कर दिया गया, सोनपुर मंदिर बंद कर दिया गया, गरीबनाथ मंदिर बंद कर दिया गया, उसी तरह से बाकी भी जितने मंदिर हैं जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं उनसे भी अपील करता हूं, उसको 31 मार्च तक बंद कर दें, इसको गंभीरता से लें, और ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, 2 सप्ताह तक धैर्य के साथ ज्यादा से ज्यादा समय सोशल आइसोलेशन में बिताएं, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क न करें, भीड़ भाड़ में न जाएं, कोई सामूहिक कार्यक्रम न करें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी।